प्रचंड गर्मी इंसान से लेकर पशु पक्षियों को जला रही है। हालांकि इंसान जहां खुद को इससे बचाने के लिए तरह तरह के उपाय कर सकते हैं, लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे में लखनऊ स्थित जू में वहां के पशुओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। उनके बाड़ों में स्प्रिंकलर और कूलर आदि लगाए गए हैं। पानी में रहने वाले जानवरों की सुविधा के लिए दोपहर के समय लगातार पानी को बदला जाता है, जिससे पानी का तापमान बढ़ने से इन्हें दिक्कत न हो। इसके साथ ही उनके खान पान का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। लखनऊ प्राणी उद्यान के उपनिदेशक डॉक्टर उत्कर्ष शुक्ला ने इस संबंध में हर साल गर्मी और सर्दी और बरसात एक जो है प्राकृतिक चीजें हैं, जो हर साल चिड़ियाघर जिसके लिए प्रिपेयर रहता है और जिसकी तैयारियाँ रहती हैं। गर्मियों के लिए हम लोग मेनली जो है, आपने बाड़े देखे होंगे, ज़्यादातर बाड़ों में हमारे यहाँ ग्रीनरी बहुत है, एक तो पेड़ पौधे बहुत लगे हुए हैं, तो इसलिए हर बाड़े में छाया पेड़ों की रहती है। मगर इसके अलावा भी जैसे चिड़ियों के लिए खस या जो नरकुल की चटाई होती है, उसका इंतजाम किया है सब जगह। जो पानी वाले बाड़े हैं जिसमें, उसमें कोशिश ये रहती है कि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक उसमें फ्रेश वाटर है, जिससे पानी का टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा बढ़े ना। इसके साथ ही जो स्प्रिंकलर्स आपने कई जगह लिखे होंगे, जो फुहारे लगे हुए हैं, वो नमी रखते हैं सारे बाड़ों में और वो चलते रहते हैं हर जगह। माइक्रो स्प्रिंकलर इसी तरह लगे हुए हैं। और खाने में जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं, जैसे तरबूज हो गई, खरबूजा हो गया है, भुट्टा आ रहा है, खीरा है, ककड़ी है, आम है, इसका समावेश भी जो है खानों में कर देते हैं, जिसमें जो शाकाहारी जानवर हैं उनके भोजन में पानी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा बनी रहे। इसके अलावा जो शेर वगैरह हैं वो खाना थोड़ा सा कम कर देते हैं गर्मियों में, लेकिन उसकी जगह हम लोग कैल्शियम, विटामिन, मिनरल सप्लीमेंट उनको देते हैं, जिसमें उनकी इम्यूनिटी बरकरार रहे और वो गर्मी से उनकी लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ी रहे। इसके अलावा जो हम लोगों ने व्यवस्था करी है, उसमें जो है मेनली जो हम लोग ये रखते हैं कि जो बाड़ा है वहाँ पर ऐसी कोई जगह ना हो जहाँ पर धूप डायरेक्ट जानवर पर रहे और वो बिना छाँ के वहाँ पर जानवर रहे। तो इस जगह पे इसको चिन्हित करते हैं, उसके लिए ग्रीन कर्टन लगाए जाते हैं, आपने जगह जगह देखे होंगे, और इस तरह सारी व्यवस्था इस प्रकार रखी है। और जो कमरे हैं बाड़ों में, मेन बात यह है कि जो मेन कमरे हैं जिसमें वो खाना खाते हैं या अंदर रहते हैं, वहाँ पर अधिकांशतः कूलर की व्यवस्था है। जो कमरे वाले जानवर है, जैसे शेर है, तेंदुआ है, चिंपैंजी है, बंदर है, और भी जो जानवर हैं, भालू है, उनके लिए कूलर की व्यवस्था रखते हैं। और सुबह जल्दी से जल्दी 7:30-8 बजे तक जानवरों को खुली हवा में हम लोग खोल देते हैं, जिससे सुबह की जो तपिश है उससे वो बच सकें। इसी तरह शाम को भी हम लोग जो है उनको इस तरह की व्यवस्था रखते हैं कि वो कूलर में जल्दी से जल्दी चले जाएं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।